चलो जो भी है अपना सपोर्ट तो भैया खुला वास्तव में खुला खाओ पियो ऐश करो मित्रों वास्तव में फटाफट मुजफ्फरनगर योगी आदित्यनाथ जी उनका आने का प्लान मुजफ्फरनगर दौरे पे सभी का नाम और स्वागत है करने ब्लॉग में। मैं हूं मुकुल, ये अपने व्हील्स जिनके थ्रू मैं जा रहा था अपने शहर मुजफ्फरनगर वापस नोएडा से, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। बट जाने से पहले आपने कुछ टाइम पहले मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने फ्लैट लिया है यहाँ पे नोएडा में। तो कुछ टाइम पहले अभी मतलब 3-4 महीने पहले मैंने उसका ब्लॉग बनाया था, तो तब से बिल्डर के पास पैसा जा रहा है, सब जा रहा है, बट मैंने देख के नहीं आया था मैं फ्लैट के भाई कितना काम पहुंचा आगे, मतलब बिल्डिंग कितनी बनी है, फ्लैट कितना बना है। तो आज मैंने सोचा कि घर निकलने से पहले, मुजफ्फरनगर निकलने से पहले एक बार देखता हूँ चलूँ कि भाई कहाँ तक काम पहुँचा है। और देख के तो लग रहा है भाई काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इन्होंने हमें बोला हुआ है कि सितंबर में दे देंगे हमको फ्लैट। बाकी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि भाई सितंबर तक मिल पाएगा या नहीं। तो यहीं आया हूँ मैं साइट पे, बट इन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी जाना कहाँ से है। पहले रास्ता ये था बट अब यहाँ से मना कर रहे, शायद यहाँ से घूमने जाना पड़ेगा। देख के आते हैं कि कहाँ से रास्ता है। तो भैया वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टाइम होता है फ्लैट देखने का, बट फिर भी मैंने बोला भाई भैया जाने दो क्योंकि देख के आने का मन तो है भाई कितना काम पहुंचा है। तो भैया इस बिल्डिंग में आपने, इसमें दो फ्लैट है अपने इस बिल्डिंग में, एक तो 11th फ्लोर पे भाई का है, 16th पे मेरा है। पेंट तो हो गया इस पर, बस पहले पेंट भी नहीं हुआ था, अब एटलीस्ट पेंट तो हो गया। अंदर जाने का जुगाड़ देखूँ कि कहीं से एक आधा फ्लैट दिख जाए तो देखने के लिए भाई कितना काम होगा। ये भी लग गई भाई रेलिंग वगैरह, पेंट तो बाद में होगा, इनमें काफ़ी हद तक काम हो चुका आगे तक। बाकी ये है फ्लैट, ये फ्लैट हमारा 11th फ्लोर और 16th फ्लोर पर है। ये इसका हॉल हो गया, ये इसका रूम हो गया, एक वॉशरूम बीच में, एक रूम मास्टर बेडरूम ये वाला, और इधर ये वॉशरूम एक और, इधर बालकनी वगैरह है। सुनने में तो आया मैंने बात करी इनसे भी, जो यहाँ पे मैं 16th फ्लोर तो जाऊँगा नहीं, वैसे मैं तो लेट आया हूँ, बट कह रहे हैं कि सब में फ्लोरिंग का और ये टाइल वगैरह काम हो चुका, अब जो बहुत ही फिनिशिंग वगैरह, गेट की फिनिशिंग, पेंट वगैरह छोटे मोटे, वो सारा काम बचा हुआ है। बची हुई है मेन रसोई, ये जो किचन है ये ऐसी अभी ऊपर बनी नहीं प्रॉपर, अभी खाली वहाँ पे ये लगी स्लैब, ये सब काम नहीं हुआ नीचे वाला ऊपर वाला। बाकी मेन काम होता है ये वाला, यहाँ पे लिफ्ट लगेंगी, यहाँ पे बिल्कुल पेंट वगैरह बिल्कुल तमीज से जब होगा तभी रहने लायक होगा। तो मेन काम अभी ये रुका हुआ, ये चल रहा है काम, फ्लैट्स तो अंदर से मतलब बन चुके हैं ऑलमोस्ट 60%, 70%। तो मेन काम ये है क्योंकि जब तक ये तैयार नहीं होगा तो लोग रहेंगे कैसे। तो लग तो रहा है कि उन्होंने बोला था कि सितंबर में, पर सितंबर नहीं तो दिवाली का राउंड मिल जाना चाहिए। जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, देखो दिख रहे हैं नंबर लिखे हुए, तो 11th पे तो हो गया भाई का, और भाई की फेसिंग है इस साइड वाली, मतलब लगभग इस साइड वाली जो ये वाला एरिया होगा, यहाँ भी सोसाइटी बन रही है सारी। और मेरा है 16th फ्लोर वो ऊपर, हाँ कहाँ है ये रहा 16th फ्लोर, बट जो मेरा फेसिंग है वो है सामने रोड की साइड का, सामने बिल्कुल मेन रोड है वो। और मैंने ये इतना ऊपर और ये वाली फेसिंग क्यों ली है, खैर ऊपर तो मुझे मिल ही रहा था ऑप्शन, वही था मेरे पास लेने का, पर फेसिंग मैंने वो वाली क्यों लिया वो आपको जो ड्रोन शॉट्स है ना मैंने जो पहले लिए थे उसके थ्रू दिखाता हूँ कि क्या प्यारा व्यू। अब आपको समझ में आएगा इसलिए मैंने ये वो वाला फेसिंग लिया 16th फ्लोर, क्योंकि वहां से रोड दिखेगी, दिन में भी अलग व्यू और रात को तो और प्यारा व्यू, सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स वगैरह दिखेंगी। बाकी तो ठीक है, पर अब थोड़ा डाउट सा लग रहा है क्योंकि जो ये बिल्डर होते हैं ये वादे तो बहुत करते हैं, जैसे कि बंदा बंदी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने जोश जोश में, नए नए प्यार में जब वो एक दूसरे से वादे करते हैं जोश जोश में, तो वादे तो उनके बहुत होते हैं पर पूरे नहीं हो पाते वो, तो बिल्डर का सही मुकाबला होता है। अब फ्लैट्स तो अंदर से ऑलमोस्ट लग रहे हैं मुझे कि हाँ चलो बन जाएंगे जल्दी, फ्लैट्स तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट जब बाहर का ही एरिया नहीं बनेगा, बाहर का लिफ्ट का एरिया, कॉरिडोर, ये सब चीज़ें नहीं बनेगी, तो फिर हमें पोजीशन कैसे मिलेगा। अब वादा तो था सितंबर का, अब देखना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं कि मतलब न्यू ईयर से पहले मिलने वाला है, और उससे भी आगे हो गया तो बात अलग है, बट लेट्स होप कि जल्दी मिल जाए। बाकी खैर अभी के लिए चलते हैं भाई मुजफ्फरनगर, लेट हो गया मैं थोड़ा सा, बाकी सीधा वहीं पहुँचते हैं और वहाँ जाके। मुझे भूख तो लगी थी कि मैंने सोचा था कि अब थोड़ा खा लूंगा रास्ते में कुछ भी, और बाकी फिर शहर पहुंचने के बाद मेरा मन है आज कुछ अपने शहर के स्ट्रीट फूड ट्राई करने का, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पे था तो यहाँ पे मैंने बाहर खाया खाना, पर वो वाला मजा नहीं है जो अपने मुजफ्फरनगर के स्ट्रीट फूड का है ना, तो वहां जाकर तो मैं खाऊंगा ही एक दो आइटम, वो दिखाऊंगा बाद में। यार अभी मुझे भूख लगी थी बहुत तेज, तो मैंने कहा मैकडी तो बहुत दूर है और हाईवे पे कुछ मिला नहीं, तो हाईवे खत्म हुआ मेरठ पे आने के बाद, जिस वाला हाईवे पे कुछ अभी बना है नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर मेरठ आने के बाद मुझे दिखा कि मैकडोनल्ड्स का एम बना हुआ बड़े वाला, जबकि मुझे लगता था कि हमेशा कि मुजफ्फरनगर से पहले वाला जो मंसूरपुर वाला है वही मैकडी है अपना,
पर यहाँ भी खुल गया भाई। यहाँ पे एक होटल है, होटल मार्स करके, इसमें मैकडी खुला हुआ है बढ़िया। और इस मैकडी में भी अपना ड्राइव थ्रू का ऑप्शन अवेलेबल है। तो भाई ये चीज देख के सही लगी मुझे कि अपने दिल्ली से मुजफ्फरनगर आने के लिए दो मैकडी हो गए, एक तो अपने शहर के बाहर ही है, बट कभी जब इस साइड से आओ दिल्ली नोएडा से तब भी मन करता था खाने का, तो कोई था नहीं। अब ये खुल गया, अब ये सही जुगाड़ हो गया भाई। किसी को आना तो वैसे तो तुम्हें दिख जाएगा ये एम बना हुआ, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता ना दिखे तो सुभारती यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ये है होटल मार्स, उसके अंदर है मैकडी। अपना आओ मजे करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। मैं पहुंचता हूँ फटाफट मुजफ्फरनगर। तो भैया फिर पहुंच गया था घर बड़े दिनों बाद घर पे। मेरे भाई माता जी और सब बढ़िया? और सब बढ़िया। क्या चल रहा है आपके शहर में? हमारे शहर में चल रहा है चुनाव का हाल चाल चल रहा है ना, चुनाव का इलेक्शन निकाय चुनाव। किसके सपोर्ट में फिर हम? आप किसके में हो? अपना तो एक ही सपोर्ट है, बीजेपी। आप तो बीजेपी तब से हो ना, जब आपके पापा यानी कि हमारे नाना जी थे सपोर्ट में ना, तब से बीजेपी वाले हो आप। बचपन से ही। कौन कौन खड़ा हुआ हमारे यहाँ, यहाँ से शहर से? यहाँ से चेतना निकले यहाँ पे, जो पहले चित्रंजन स्वरूप जी पहले समाजवादी पार्टी में थे उनके बेटे गौरव स्वरूप, उनकी वाइफ पार्टी शायद ना भाई। हाँ, क्योंकि महिला भाजपा से। और हमारे सभासद में? सभासद में तो पार्टी से तो अलग अलग हैं। भाजपा का बताओ, हम खाली भाजपा की बात कर रहे हैं भाई। भाजपा से तो कोई पाल करके हैं, कुछ ऐसी है। अच्छा, पार्षद के लिए। पार्षद के लिए चलो, जो भी है अपना सपोर्ट तो भैया खुला भाजपा का, खुला। लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं, नाराज होंगे, हो कोई बात नहीं भाई। जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हो या व्यूअर्स हो, जो भी हो भाई, जो एंटी वाले होंगे वो तो देखो नाराज होंगे, पर कभी इस बारे में और बात कर रहे हैं कि भाई भाजपा को सपोर्ट करने के फैक्ट्स हैं हमारे पास। ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ ऐसी बोल रहा हूँ हवा में, फैक्ट्स हैं, देखा है काम होते हुए, विकास होते देखा है, सेफ्टी होते देखा है, अपने शहर को बदलते हुए देखा है। सेफ्टी के पॉइंट्स अपने अपने शहर को मैंने बदलते हुए देखा जब से मैं रह रहा हूँ बाहर, हाईवे का हाल, लोगों का, अपने दोस्तों से मैंने सुना है कि भाई पहले तो बहुत डर लगता था आते हुए हाईवे क्रॉस करते हुए, अब सब सेफ्टी है। तो जब काम हुआ है, विकास हुआ है, हर चीज में अच्छा है, तो भाई सपोर्ट पूरा है। अच्छा, पहले था जैसे हरिद्वार से रात में बस आती थी, मतलब राजस्थान से कहीं दूर से और हरिद्वार के लिए रात को, तो ये वाया मुजफ्फरनगर हो जाती थी, तो ये नहीं पता था, सुरक्षित नहीं थी कि बस की कब रात को लूट हो जाए, लूट हो जाएगी। ड्राइवर रात को गाड़ी खोलते थे, बिल्कुल लॉक करके सीधे निकाल लेते थे कुछ तेज। और अब जो अब बस तो बस अब जाम लग रहे रात को भी, रास्ता ये जाने का दिल्ली से ऋषिकेश रात को अभी देखने टूरिस्ट आएंगे। और जो बच्चे हैं सैटरडे संडे होता है वीकेंड पे, तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो अभी कोई ऐसी घटना तो ऐसे ऐसे एक नहीं दस क्या सौ वो है चीजें, एग्जाम्पल और प्रूवन फैक्ट्स, जिसकी वजह से हम तो भैया खुल के सपोर्ट है। आपको जो था सुपर मॉम कॉम्पिटिशन कुछ करी प्रैक्टिस वगैरह आपने? करी प्रैक्टिस? हाँ थोड़ा बहुत। चलो उस बारे में जरा कल करेंगे बात, कल देखेंगे उस बारे में उसकी अपडेट क्या है डांस प्रैक्टिस की। अभी थोड़ा सा फिर मैंने घर पे आके देखा, तो मैंने कहा दाल चावल बने, तो मैंने कहा बाहर का खाना छोड़ो, घर के दाल चावल से बढ़िया क्या होगा। तो फास्ट फूड वाली बात जो मैं कर रहा था वो कल को, आज नहीं, आज वाली दाल चावल। तो भैया अपना सपोर्ट तो फुल देखो भाजपा को है, देख लिया होगा आपने मम्मी की बातें भी, और पापा शायद गए भी थे उसमें, तो ये भी रखे हुए घर पे देखे मैंने आगे भी, टोपी वगैरह जो है पूरी आती मुझे रखी देखी मुझे घर पे। तो भैया सपोर्ट अपना भाजपा को है, और मेन बात ये इसलिए कि मैं मुजफ्फरनगर आया था, बट आने के बाद रियलाइज हुआ, पता चला कि वो कैंसिल हो गया। वो ये था कि महाराज जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आने का प्लान था मुजफ्फरनगर दौरे पे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कब से वेट कर रहा था, मैंने कहा जब वो आएंगे, तो प्लान ये था कि जब वो आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी, पापा भी जाएंगे मिलने, और मैंने कहा मैं भी जाऊंगा साथ में, तो जैसे कि मैं उनसे पहले मिल के आया था उनके घर पे उत्तराखंड में, वैसे ही साथ में जाके थोड़ा ब्लॉग वगैरह इस बार बनाने का प्लान था मेरा, बट वो सुनने में आया कि वो कैंसिल हो गया उनका दौरा, वो अब जा रहे हैं खाली सहारनपुर, और वहां से करेंगे अपनी सभा को संबोधित इस मंडल के लिए, तो वो प्लान तो कैंसिल हो गया। बहुत सारी न्यूज उड़ती भी आ रही थी कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, तो भाई नहीं आ रहे, इतना तो पक्का है। तो बाकी चलो कोई बात नहीं, जो अपने शहर के इलेक्शन का मामला वो मैं आपको दिखाऊंगा इस बार, क्योंकि मुझे शाहपुर के जो चेयरमैन साहब उन्होंने बुलाया हुआ है, और यहाँ का शहर का भी देखते हैं कुछ बनाने का सीन, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। और जब कभी महाराज जी आगे दोबारा आएंगे हमारे शहर, तब फिर उस वाले ब्लॉग का तभी बनाएंगे, उसको बाद के लिए रखते हैं। तो खैर अभी के लिए मैं खाता हूँ खाना, और फिर थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, और फिर सोते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और जय श्री कृष्ण।